भारत में वास्तु के हिसाब से हम अपने घर या कोई भी काम करते हैं। भारत में वास्तु का प्रचलन काफी तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है। यहाँ के वास्तु के हिसाब से चीन में लोग फेंग शुई का विशेष उपयोग करते हैं, लेकिन इंटरनेट की बढ़ती आबादी के चलते आज भारत में भी फेंग शुई ने अपने पांव पसार लिए हैं। आजकल भारतीय लोग फेंग शुई की बातों पर बहुत विश्वास करते हैं। इसमें बहुत सारे नकारात्मकता दूर करने के उपाय बताए गए हैं। आपको बता दें, इन उपायों को अपनाने से घर में सकारात्मकता और खुशहाली बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। यदि आपको घर के दोषों के कारण दुर्भाग्य का सामना करना पड़ रहा है तो इन उपायों से लाभ मिल सकता है। आजकल फेंग शुई में क्रिस्टल बॉल्स का काफी चलन चलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए आज हम आपको बताते हैं फेंग शुई के अनुसार क्रिस्टल बॉल्स से जुड़ी कुछ बातें। आपको बता दें, घर में फेंग शुई में रंग बिरंगी क्रिस्टल बॉल, बिना रंग वाली क्रिस्टल बॉल्स और काली क्रिस्टल बॉल्स के बारे में बताया गया है। आपको बता दें, फेंग शुई के अनुसार घर में क्रिस्टल बॉल्स रखने से परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। घर में सुख चैन बढ़ने की पूरी संभावना रहती है। कहा जाता है क्रिस्टल बॉल्स आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण कर लेती है, जिसके घर के लोगों की सोच सकारात्मक बनी रहती है। अगर आपके घर में अशांति रहती है, परिवार के सदस्यों के बीच तनाव या लड़ाई रहती है, तो लिविंग रूम या ड्राइंग रूम में क्रिस्टल बॉल्स रखना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक फल मिलते चले जाते हैं। आप अपने घर में विंड चाइम में 3-4 क्रिस्टल बॉल्स जड़वा कर भी लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि ऐसी विंड चाइम को अपने बेडरूम या स्टडी रूम में भूलकर भी न लगाएं। यदि आपके व्यापार में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो एक रंग बिरंगी क्रिस्टल बॉल ऑफिस की उत्तर पश्चिम दिशा में रख दें। व्यापार के लिए इस दिशा में सकारात्मक बनाए रखना जरूरी होता है। ये क्रिस्टल बॉल इस दिशा के दोष को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देगी। घर में पति पत्नी के बीच तनाव या लड़ाई रहती हो तो रूम में क्रिस्टल बॉल रखने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ध्यान रखें, ये बॉल दिन में कम से कम 3 बार जरूर घुमाएं। यदि आपके बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है तो स्टडी रूम में एक क्रिस्टल बॉल रख दें। इसके असर से बच्चों की एकाग्रता बढ़ सकती है और सकारात्मक सोच के साथ बच्चों का मन पढ़ाई में लग जाता है। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से आकाश की रिपोर्ट।